हमारा आज का विषय कुछ ऐसा है जो अपने में अनेकों रहस्यों को छुपाए हुए है। आज आप एक रहस्य लोक की यात्रा करने वाले हैं। एक तरह से ये एक ध्यान के प्रयोग जैसा है जो कभी ना आपने देखा होगा ना ही सुना होगा। आज भी मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा, साफ साफ आपको दिखा रहा हूं। जितने भी मित्र आज इस विषय को सुन रहे हैं सबको अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे। कोई किसी का भी अनुभव किसी दूसरे से मेल नहीं खाएगा। विस्मय लोक में प्रवेश, जहां आप बार बार हैरान होते जाएंगे, जहां आपके पास प्रश्न तो होंगे लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर किसी के पास भी नहीं होगा, केवल आपके भीतर से ही आपको उत्तर मिल सकते हैं, कोई दूसरा आपको उत्तर दे ही नहीं सकता। फिर उत्तर भी खो जाएंगे और प्रश्न भी खो जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि 2 + 2 = 4 होते हैं, लेकिन इस विस्मय के संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां 2 + 2 = 3 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, यहां कुछ भी हो सकता है। यहां कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे तीसरी शक्ति की बात की, आज हम चौथे आयाम को देखने की कोशिश करेंगे, 4th dimension। जबकि बहुत से मित्रों ने पहले से ही चौथे आयाम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बिल्कुल ही अलग है। जो भी मित्र कहते हैं कि ध्यान नहीं कर पा रहे, वो आज तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ। आज के ध्यान में होश को कैसे जगाना है इसे आप ठीक से जान पाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी अनुभव करेंगे कि जिस संसार में आप रहते हैं ये मिथ्या है या सत्य है, रियल है या फेक है। कैसे ये संसार एक जादू जैसा है, इसे जैसे आप देखना चाहें देख सकते हैं। यही संसार है जो आपके लिए स्वर्ग भी बन सकता है और नरक भी बन सकता है, और ये सब आपके ही हाथ में है। आप चाहें तो स्वर्ग बना लें, आप चाहें तो नरक बना लें, आपका ही चुनाव है। अगर एक बार ठीक से इसे समझ लेते हैं, बार बार इस ध्यान के प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर किसी से पूछने जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आप कौन हैं, आपके सभी प्रश्न मिट जाते हैं। आज का विषय थोड़ा कठिन है, इस पर विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चौथा आयाम जो कभी आपका अनुभव ही नहीं बना, इसलिए असंभव जैसा प्रतीत होता है, लेकिन असंभव है नहीं। इसे बिल्कुल सरल करने के लिए जरूरी है कि अलग अलग उदाहरणों से, जैसे सीढ़ियों की तरह छोटे छोटे हिस्सों में, ऐसे जैसे कोई गेम खेल रहे, इतनी ही सरलता से इसको समझा जाए ताकि आप इस विस्मय लोक की यात्रा में उतरते चले जाएं। इस ध्यान प्रयोग का उद्देश्य है कि आपको होशपूर्ण होना आ जाए, आप विस्मय में उतर सके। जैसे ही आप किसी भी विस्मय में उतरते हैं आप खो जाते हैं, आप मिट जाते हैं। आपके पास जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वो केवल 10% है, 90% आपका अचेतन मन है। आपके मिट जाने का अर्थ है कि आपका चेतन मन खो जाए। फिर सीधा संबंध आपके अचेतन से जुड़ जाता है,
आज के प्रयोग में आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपको कुछ सुनाई ही नहीं दिया, आप शब्दों को सुन ही नहीं पाए, लेकिन वास्तव में वो सीधे आपके अचेतन में उतर जाएंगे। जो चेतन से सुना जाता है वो तो जल्दी ही मिट जाता है, भूल जाता है, लेकिन जो अचेतन में प्रवेश कर जाता है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। आज का प्रयोग इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि आपका अचेतन सक्रिय हो जाए। जब आप मुझे सुन रहे होते हैं तो आपका मन बीच बीच में कहीं इधर उधर भाग जाता है। आप जो भी काम करते हैं, हमेशा आपके साथ यही होता है। आज आप इसका सरल अभ्यास करेंगे, संकल्प करेंगे कि आज केवल सुनेंगे और मन को कहीं भी नहीं जाने देंगे। इसलिए मैंने आज आपको विस्मित कर देने जैसा विषय को चुना है। जो भी मैं आपको बोल रहा हूं आप अपने मन में उसकी छवि बनाते रहें, फिर अंत में जो नया संगीत आज मैं आपको दे रहा हूं उस संगीत पर ध्यान करते हुए मन में इन छवियों को देखना शुरू करें। उससे बाहर कोई विचार मन में नहीं चलने दें। एक छोटी सी काल्पनिक कहानी से अपनी बात शुरू करूं। आज से कोई 40 साल पहले एक व्यक्ति कोमा में चला गया। किसी दुर्घटना में कुछ ऐसी चोटें लगी कि फिर उसे होश नहीं आ सका। 40 साल बाद जब वो होश में आया तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। पूरी दुनिया उसके लिए अजनबी थी और वो पूरी दुनिया के लिए अजनबी था। सड़कें अलग हैं, इमारतें अलग हैं, कुछ भी तो वैसा नहीं बचा जो उसके समय में था। उसके गुजरे हुए 40 सालों की उसे कुछ खबर ही नहीं। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कल रात सोया हो और आज सुबह जागा। कैसे समझ पाए कि 40 साल गुजर गए। अब वो निकला है बाहर, चल रहा है और जो भी दिखाई दे रहा है, कितना सारा ट्रैफिक, अजीब अजीब वाहन, कारें, ट्रक, सब कुछ तो अजनबी है। जरा कल्पना करो कि कहीं पर ये आदमी आपको मिल जाता है, आपसे दोस्ती हो जाती है। आप दोनों जाते हैं कहीं पर, क्योंकि उसे 40 साल बाद होश आया है, इसी खुशी में आप एक पार्टी करते हैं। तब ये आदमी आपसे कहता है कि कुछ संगीत हो जाए। उसे तो अपने जमाने में चलने वाली कैसेट्स का ही पता है, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट। वो आपसे पूछता है, क्या आपके पास कुछ पुराने गानों के कैसेट हैं? आप कहते हैं कि हाँ हैं। तब आप अपनी जेब से एक छोटा सा चिप निकालकर 32 GB का या फिर 64 GB का आप उसके हाथ पर रख देते हैं। उसे तो ये सब मजाक ही लगेगा। उसे तो याद है कि पुरानी ऑडियो कैसेट में करीब 8 गाने होते थे। फिर वो हैरान होकर आपको देखता है, फिर पूछता है कि इसमें कितने गाने हैं? आप कहते हैं 1 लाख से ज्यादा। उसका तो भेजा घूम जाएगा, वो आप पर विश्वास कर ही नहीं सकता। फिर भी वो पूछता है कि ऑडियो है या वीडियो? आप कहते हैं ऑडियो भी है और वीडियो भी। फिर आप उस चिप को अपने स्मार्टफोन में डालते हैं। उसे तो स्मार्टफोन का भी कुछ पता नहीं। उसे तो ये एक जादू की डिबिया जैसा दिखाई पड़ता है। वही फोन भी है, वही ऑडियो प्लेयर भी, वीडियो प्लेयर भी, कैमरा भी है, नेविगेशन भी है और जाने क्या क्या। आप देख लें, इसी स्मार्टफोन पर तो आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आपको कोई हैरानी नहीं हो रही।
आपने हैरान होना ही छोड़ दिया। लेकिन जरा इस इंसान की हैरानी का अंदाजा लगाओ, क्या हाल होगा उसका जब आप उसे कहोगे कि आपके फोन में दुनिया की हर एक जानकारी मौजूद है। जैसे पहले की काल्पनिक कहानियों में एक जादुई शीशे का उल्लेख होता था, लेकिन उसमें भी इतना जादू कहां था। उससे भी हजारों गुना जादू का शीशा आज आपके हाथ में है। क्या 40 साल पहले अगर कोई आपसे कहता इसी स्मार्टफोन के बारे में आपको कुछ बताया जाता, तो क्या आप उस पर यकीन कर पाते? किसी तरह भी आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। आप उसे कोई सिरफिरा ही कहते, कोई उसकी बात सुनने को राजी भी नहीं हो सकता था। ऐसा हुआ है, ऐसा मेरे साथ ही हुआ है। आज से कोई 12 साल पहले मैंने अपने कुछ मित्रों को कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम अपने फोन से ही किसी को भी पैसे दे सकें और पैसा ले सकें। तब कीपैड वाले फोन थे, स्मार्टफोन अभी आए नहीं थे। उन सब ने मेरा खूब मजाक उड़ाया, और ये बिल्कुल सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। फिर 2016 जब नोटबंदी हुई, उसके बाद मेरे एक मित्र का फोन आया। उसने कहा कि जो जो बातें मैंने 12 वर्ष पहले उनसे कही थी, करीब करीब वैसा ही सब कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे हैं। ऐसा होता है, हमेशा ही होता है। जो कभी हमारा अनुभव नहीं बना, जो कभी हमने देखा नहीं, उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते। चौथे आयाम के साथ, फोर्थ डायमेंशन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ मित्रों को जरूर डायमेंशंस की जानकारी होगी, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेना जरूरी है। जैसे 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2, 3 डायमेंशन, थोड़ा सा इसे पहले समझ लें ताकि फोर्थ डायमेंशन की बात की जा सके। डायमेंशन का अर्थ है आयाम, आप किस आयाम में रहते हैं। जैसे हमारा संसार तीसरे आयाम में है, थर्ड डायमेंशन में है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास किसी भी चीज की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है या गहराई है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। डायमेंशन का दूसरा अर्थ है कि हम कैसे कैसे गति कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। जैसे 0 डायमेंशन का अर्थ है जैसे एक बिंदु जिसका कोई रास्ता नहीं, जो गति ही नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण के लिए एक पेड़ हमेशा अपने स्थान पर ही खड़ा रहता है, वो कभी नहीं जान सकता कि चलना किसे कहते हैं, कि बाजार जाना क्या है या फिर किसी दूसरे स्थान पर घूमने जाने का क्या अर्थ होता है। उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि आप जानते हैं कि पेड़ों में जीवन है, भावनाएं हैं। पेड़ खुश भी होते हैं और उदास भी होते हैं। पेड़ आपकी भावनाओं को भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार अगर उनको कोई बताए कि कहीं आना जाना भी होता है, कहीं घूमना भी होता है, तो पेड़ कभी उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा उसका कोई अनुभव नहीं है। 1 डायमेंशन यानी कि पहला आयाम, जहां गति है, लेकिन केवल आगे या पीछे, जैसे एक सीधी रेखा हो जिसकी केवल लंबाई हो सकती है, कोई चौड़ाई नहीं। समझ लें कि यही रेखा आपका रास्ता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। आप इस रेखा पर या तो आगे जा सकते हैं या फिर पीछे। आपके लिए ना कोई दायां है ना ही बायां। आप दाएं और बाएं को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे।
फिर इसी प्रकार सेकंड डायमेंशन, जिसमें पहली डायमेंशन लंबाई है और दूसरी डायमेंशन चौड़ाई है। यहां पर आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, लेकिन यहां आपको ऊपर और नीचे का कुछ भी नहीं पता। यहां ना तो किसी वस्तु की कोई ऊंचाई हो सकती है, ना ही गहराई हो सकती है। ठीक जैसे एक चित्र को देखें या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखें, सब कुछ समतल है। जो भी आपको ऊंचाई और निचाई दिखाई देती है वो केवल एक भ्रम है। एक वीडियो चल रहा है, जो भी तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो सब कुछ समतल है। कुछ रंगों के कारण ही आपको ऊंचाई या निचाई का एक भ्रम पैदा होता है। अब आपका संसार है जिसमें ऊंचाई है और गहराई भी है, जिसमें पहाड़ भी हैं और खाई भी है, टीले भी हैं और खड्डे भी हैं। यहां आप ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, बस आप इतना ही जानते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पहले की डायमेंशंस वाले ऊंचाई और निचाई को नहीं समझ सकते, ऊपर जाने का क्या अर्थ है और नीचे जाने का क्या अर्थ है, इसे समझना उनके लिए असंभव है। इसी तरह चौथा आयाम, चौथा आयाम क्या होगा, फोर्थ डायमेंशन कैसा होगा, आप इसे अनुभव नहीं कर सकते। आज हम इसी फोर्थ डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। अब लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, फिर चौथा क्या है? यहां हमें समय को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कभी आपका जन्म हुआ, कभी आप एक छोटे से बच्चे थे, या फिर कभी आप बूढ़े हो जाएंगे। यानी कि एक आपका अतीत है, एक वर्तमान है और एक भविष्य है। क्या आप अतीत में जा सकते हैं, जिसे कि टाइम ट्रेवल भी कहा जा सकता है, या फिर आप अपने भविष्य में जा सकते हैं? क्या हो अगर आप फिर से अपने बचपन में लौट जाएं, फिर दोबारा से अपने जीवन को शुरू कर सके? आपको यह असंभव दिखाई पड़ेगा। अभी तक जितना हम जान पाए हैं उसके हिसाब से तो असंभव ही है, लेकिन अभी हाल ही में जो कुछ वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, अगर उन पर आप गौर करें तो यह असंभव जैसा दिखाई नहीं देता। आज विज्ञान हैरान और परेशान है। जो मिल रहा है उसने आज तक के सारे विज्ञान को गलत साबित कर दिया। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे फिजिक्स की अब तक की सारी धारणाएं लगभग ध्वस्त हो चुकी। वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब किसे आधार बनाएं। आपने शायद क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में सुना होगा, जो कि पूरी तरह से साबित हो चुका। इसका अर्थ है कि हर एक पार्टिकल का दूसरा कोई जोड़ा भी ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है, चाहे फिर वो किसी दूसरी ही आकाशगंगा में हो। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रकाश की गति 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अभी तक विज्ञान ने जाना है कि इससे ज्यादा गति असंभव है। कोई भी गति प्रकाश की गति से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कभी हमारे पास ऐसे यान बन जाएं जो कि प्रकाश की गति से चलते हों, जिसकी के आज के दिन कल्पना करनी भी असंभव है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो जो पार्टिकल का जोड़ा है, चाहे फिर प्रकाश की गति से भी वहां पहुंचने में हमें करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन जो भी यहां के पार्टिकल के साथ होगा, ठीक उसका रिएक्शन दूसरे पार्टिकल के साथ भी होगा जो एंटेंगल्ड है। उसके साथ ठीक उसी समय 0 सेकंड में, वहां कोई समय नहीं है,
जैसे ही एक हिला दूसरा भी हिला। फिर ये पार्टिकल एंटेंगलमेंट केवल एक पार्टिकल के साथ नहीं, ये करोड़ों पार्टिकल भी आपस में संबंधित हो सकते हैं, जो कि ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं। अब थोड़ा और गहराई से इसे समझने की कोशिश करें। अपने सौरमंडल पर एक नजर डालें, फिर अपनी आकाशगंगा को देखें, जहां असंख्य ही सौरमंडल मौजूद है। जितने भी सितारे, ये सभी सूर्य हैं। इनके बारे में इससे ज्यादा अभी हम कुछ भी नहीं जानते। जैसे हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, वैसे ही इनके भी ग्रह हैं। जैसे हमारे सौरमंडल में एक पृथ्वी है, ठीक वैसे ही इन अरबों खरबों सौरमंडल की भी एक एक पृथ्वी होनी चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कि एक ही आकाशगंगा में अरबों खरबों पृथ्वियां हैं, जिनका अभी हमें कुछ भी पता नहीं। निकट भविष्य में कोई संभावना भी नहीं कि हम इनका पता लगा सके। इसे देखकर क्या यह संभव नहीं लगता कि हमारे स्वरूप हर पृथ्वी पर मौजूद हों, एंटेंगल्ड हों, यानी कि संबंधित हों? जैसा कि अगर इस पृथ्वी पर आप अभी जवान हैं, तो किसी दूसरी पृथ्वी पर अभी आप अपने बचपन में हो, या कहीं और आप बूढ़े हो चुके हैं। अरबों खरबों पृथ्वियां, यानी कि आपके अरबों खरबों स्वरूप, जो घटनाएं अभी आपके जीवन में घटनी हैं, वो पहले ही कहीं और घट चुकी हैं, या फिर जो घटनाएं आपके जीवन में घट चुकी हैं वो अभी कहीं और घटनी बाकी हैं। क्या ये कोई माया जाल है? अभी थोड़ा और इसे समझें। यहां आप कोई सपना देख रहे हैं। सपने में आपके मित्र, आपके परिचित आपके साथ हैं। आप कहीं पहाड़ों पर घूमने आए हैं। हरे भरे जंगल हैं, झरने हैं, नदियां हैं, और आप खूब मजे कर रहे हैं। जब तक आप सपने में हैं, तो सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है, सब कुछ असली है। जब तक कि सपना टूट नहीं जाए, सपना टूटने पर ही पता चलता है कि सपना था, असली नहीं था। उससे पहले तो सब असली था। अध्यात्म कहता है कि यहां केवल दो ही चीजें, जिसे द्वैतवाद कहा गया है, या तो जड़ है या चेतन, या तो पदार्थ है या फिर विचार, निर्जीव है या जीवित। फिर सपना क्या है, क्या कहेंगे? सपना पदार्थ है या चेतन? वो सुंदर जंगल, वो झरने, वो नदियां, वो आपके मित्र, आपके परिचित, आपके संबंधी, ये सब क्या थे? पदार्थ या चेतन? कुछ भी नहीं थे, केवल माया थे, धोखा थे। तो क्या आपको लगता है कि जिस जीवन को आप सत्य मान रहे हैं, क्या ये सत्य ही होगा? कहीं ये भी तो एक सपना नहीं? समय यात्रा या टाइम ट्रेवल, ये सब मन का खेल है। अगर ऐसा कभी होगा तो ये सब मन के तल पर ही होगा। ध्यान में जब आप कभी शून्य में प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए बहुत से अनोखे अनुभव आपको होते हैं, जिनको आप समझ ही नहीं पाते। ध्यान में होने वाले सभी अनुभव उसी विस्मय लोक के होते हैं, जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं। आपको इसके कितने ही प्रमाण मिल जाएंगे। हमारे बहुत से ऋषियों ने अपने ध्यान में उतरकर ही तारों की गणना कर ली। तब उनके पास एक अलग प्रकार का विज्ञान था। आपको संसार में ऐसा बहुत कुछ मिलता है जो पुरातन काल में बनाया गया है, जिनको आप वंडर्स कहते हैं। ये केवल सात नहीं है, बहुत ज्यादा है,
जिनको देखकर आज तक भी कोई नहीं समझ पाया कि इसे कैसे बनाया गया। ये सभी कुछ ध्यान का ही विज्ञान था। जब भी आप पूछते हैं कि ध्यान में कैसे उतरे, बस ठीक आज की तरह आप अभी सुन रहे हैं, सुनने को ही अपना ध्यान बना लें। सारे का सारा ध्यान सुनने पर ही लगा दें। आप कोई भी काम करें, उससे बाहर अपने मन को नहीं जाने दें। इसका पूरा अभ्यास करें, बार बार करें, हर पल अपने होश को जगाए रखने का प्रयास करें। कुछ ही दिन में आप हैरान हो जाएंगे कि आपका होश सधने लग जाएगा, मन की बार बार भटक जाने की आदत छूटने लगेगी, मन पूरी तरह से आपके वश में आता चला जाएगा। फिर आपके पास हुनर आ जाएगा कि जीवन को कैसे जीना है। सब कुछ, सारी शक्तियां आपके हाथ में होंगी। ध्यान जो आज आपको कठिन दिखाई पड़ता है, आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। चेतना के तल पर जब भी कभी आप गहरे जाते हैं तो बहुत सी अनुभूतियां आपको होने लगती हैं। आज तक जितने भी व्यक्तियों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की है, सबने अलग अलग तरीके से ही इसे जाना। सबके अनुभव भी अलग अलग ही रहे, क्योंकि जो वास्तविक अनुभव है उसे तो कहा ही नहीं जा सकता, वो हमारे अनुभव में ही नहीं आ सकता। ठीक जैसे मैंने फोर्थ डायमेंशन की बात की, कैसा लगेगा अगर आप कहें कि आप अपने बचपन में वापस जा सकते हैं? इसे कैसे समझा जा सकता है? कोई रास्ता नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस संसार को आप जैसा देखना चाहें, ये वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। सब कुछ आपके ही हाथ में है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बर्तन रखा हो, उसमें कोई पदार्थ है, कोई एक ही पदार्थ है। अगर आप उसमें से कुछ उठा रहे हैं तो विष बन जाता है, कोई दूसरा उठाता है तो अमृत हो जाता है। ना तो उसमें अमृत है ना उसमें विष है, उसमें तो बस जो है सो है, आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक ऐसा ही संसार है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखें तो आपको समझ में आएगा। एक बाल्टी में आप खूब तेज गर्म पानी ले लें, इतना गर्म कि जिसमें हाथ डाला जा सके। दूसरी बाल्टी में आप बर्फ जैसा ठंडा पानी ले लें। इन दोनों बाल्टियों के बीच में आप एक तीसरी बाल्टी में साधारण पानी ले लें, जो नॉर्मल पानी होता है, न ठंडा न गर्म। अब अपना एक हाथ तेज गर्म पानी में डाल दें और दूसरा ठंडे पानी में डाल दें। एक दो मिनट तक दोनों हाथ डाले रखें, फिर दोनों हाथों को निकालकर बीच वाली बाल्टी में डाल दें जिसमें के नॉर्मल पानी है। जो हाथ गर्म पानी में रखा था उसे पानी ठंडा अनुभव होगा, लेकिन दूसरे हाथ को पानी गर्म लगेगा, जबकि पानी एक ही है। ठीक यही स्थिति आपके मन की है। सब कुछ आपके मन की स्थिति से बदल जाता है। यहां आप समझ सकते हैं कि कैसे आप केवल अपने मन को बदलकर अपने लिए सब कुछ बदल सकते हैं। इसी सिद्धांत पर आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिसे आकर्षित करते हैं वही आपको मिलने लगता है। अगर आप दुखी हैं तो ठीक से देखें, देखें तो आपको पता चलेगा कि दुख को आप ही किसी ना किसी तरह आमंत्रित कर रहे हैं। जिस भी कारण से आप दुखी हैं, आप अपने भीतर इस भाव को गहरा करते रहें कि ये दुख आपके जीवन से निश्चय ही चला जाएगा। जैसे ही इस भाव को आप गहरा करेंगे, आप में अपने दुख से बाहर होने की इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आप जैसा जीवन चाहते हैं उसी जीवन को आकर्षित करें। अपने पर भरोसा करें,
जैसे जैसे आपकी सोच बदलेगी, आपकी क्षमता भी बदल जाएगी। जो कल तक आपको दिखाई देता था कि आपसे नहीं हो सकता, अब आपको दिखाई देगा कि आप इसे कर सकते हैं। एक बार भरोसा आ गया तो सब हो जाएगा, हो ही जाएगा। सब कुछ आपके मन का ही खेल है। ये संसार सत्य है या मिथ्य है, आप इसमें से उसे चुने जो आपके जीवन को अच्छा बनाता हो। मैं नहीं जानता कि यह सत्य है या मिथ्य है, लेकिन इसे मिथ्य मानकर अगर आप चलते हैं तो आपके जीवन के प्रति जो आपका नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है। किसी दूसरे अर्थों में यह सच भी है। आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब कुछ प्रभावित होता है। जैसा कि आप समझते हैं कि आप किसी बड़े मकान के मालिक हैं या आप किसी धन दौलत के मालिक हैं, आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि आप यहां किसी भी चीज के मालिक हो ही नहीं सकते, आप केवल इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकृति किसी की मालकियत को नहीं मानती। सपनों में कैसी मालकियत? आपका सारा अहंकार गिर जाता है। आपका क्रोध फिर क्या करेगा? किस पर क्रोध करोगे? सपना ही तो है। न मोह हो सकता है ना ही लोभ। फिर काम क्या है? बस एक छोटा सा खेल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर पाप क्या है? फिर पुण्य क्या है? बस अपने मन पर ही काम करना है। आपका मन ही सबसे बड़ा रहस्य है। आपका मन ही सबसे बड़ा जादू है। आपका मन आपके लिए ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकता है जो आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता। आपका सारा ज्ञान आपके मन में ही छुपा है। बाहर के ज्ञान से आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। ये आपका सबसे बड़ा अज्ञान है कि आप किसी धर्म ग्रंथ से या किसी गुरु से कोई ज्ञान पा सकते हैं। आप कितना भी खोजें, बाहर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको लगता होगा कि मैं उल्टी बातें कह रहा हूं या मैं कह रहा हूं कि ग्रंथ झूठे हैं, ग्रंथों में ज्ञान नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा। ग्रंथ अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं, वो ज्ञान से भी भरे हैं, लेकिन आप उनसे ज्ञान ले नहीं सकते। वहां से आपको केवल बेजान शब्द मिलेंगे, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वो है जो आपके ही भीतर पैदा होता है, जो आपके ही अनुभव से आपको मिलता है। अगर आपने कभी मीठा नहीं चखा हो, आपको बिल्कुल भी पता नहीं हो कि मीठे का स्वाद कैसा होता है, ना ही आपको शक्कर का कुछ पता हो, लेकिन किसी शास्त्र में आप पढ़ लें कि पानी में अगर शक्कर मिलाएं तो पानी मीठा हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। शक्कर पानी को मीठा करती है, लेकिन अगर आपको ना तो शक्कर का पता है ना ही मिठास का पता है, वहां पर आप केवल शब्द पकड़ लेंगे। आप भी शब्दों को दोहरा देंगे। मीठे का स्वाद न तो आप जानते हैं ना ही वो जानते हैं जिनके सामने आप शब्द दोहरा रहे हैं। प्रमाण के तौर पर आप वो ग्रंथ पेश कर देते हैं। केवल शब्दों के दोहराने से ही आप समझने लगते हैं कि आप ज्ञानी हो गए। ये ज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। लेकिन जब इससे आप अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, फिर आप अपने लिए ज्ञान के सभी रास्ते बंद कर लेते हैं। आपको गीता याद है, आप हर रोज गीता का पाठ करते हैं, आपने उपनिषदों का अध्ययन किया है, आपने वेद पढ़े हैं, शब्दों को रट लिया,
और क्या ज्ञान होगा? कोई पूछेगा तो आप अच्छे अच्छे शब्द दोहरा देंगे, सुनने वाला भी कहेगा कि आप बहुत ज्ञानी हैं। आपका ज्ञानी होने का भ्रम और भी मजबूत हो जाएगा। ज्ञान का अर्थ है आप उस मिठास को अनुभव कर लें, आप शक्कर को जान लें, आप पानी लें और अपने हाथों से शक्कर को पानी में मिलाएं, फिर उस पानी का स्वाद लें, आपको पता चले कि मिठास किसे कहते हैं, मीठा क्या होता है। जब आपका अपना अनुभव होगा तभी आप ग्रंथों को भी समझने के योग्य होंगे। आप कह सकेंगे कि हां मैंने जाना, जो ग्रंथ में लिखा है वो बिल्कुल सही, नहीं तो आपके लिए सब कुछ अंधविश्वासी है। किसी दूसरे के अनुभव पर विश्वास करना ही अंधविश्वास है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर किसी को गुरु बनाना है तो स्वयं को ही अपना गुरु बनाए। आप इस पूरी सृष्टि से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, इस प्रकृति को ही अपना गुरु बनाएं। आप अपने मन को ही अपना गुरु बनाएं। बस इतना ध्यान रखें कि आपको होश जगाना आ जाए। आप दूसरों की आंखों से देखना छोड़ दें, फिर चाहे समाज कुछ कहता हो, चाहे ग्रंथ कुछ कहते हो, सबका अनुभव स्वयं करें, तभी वो ज्ञान बनेगा। जितने ज्यादा आप होशपूर्ण होते जाएंगे आपका मन उतना ही शुद्ध होता चला जाएगा। अभी तक बहुत से धर्म ग्रंथ, बहुत से तथाकथित गुरु आपको समझाते हैं कि आपका मन आपका शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल उल्टी बात कहता हूं कि मन आपका सबसे अच्छा मित्र है। मन को आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे आप मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बना सकते हैं, मन और बुद्धि के बीच का संतुलन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप केवल मन को बदलकर अपने लिए स्वर्ग बना सकते हैं, केवल मन की साधना से ही कैसे आप खुशियों का खजाना पा सकते हैं। चाहे आप ध्यान करें, चाहे जाप करें या फिर परमात्मा की खोज करें, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य तो आपका जीवन ही है। आपका जीवन कैसे परमानंद बन सकता है, कैसे आप हमेशा खुश रह सकते हैं, कैसे आप दुखों से बाहर हो सकते हैं, इसकी बात मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। आज आपका होश कितना रहा, कितना आप ध्यान की गहराई में जा सके, अपने कमेंट करके जरूर बताएं। आज की बातों से जितनी भी छवियां आपके मन में बनी हैं, उसे देखते हुए आज के संगीत में उतरें। इस संगीत का नाम संगीत X3 है, म्यूजिक X3 है, जिसे आप हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। अगर इस पूरी वीडियो का MP3 भी आप मंगवाना चाहें तो वो भी उपलब्ध है। हर एक ऑडियो का सहयोग शुल्क मात्र 100 रुपए रखा गया है, लेकिन अगर कोई मित्र 100 रुपए देने में समर्थ ना हो तो वो जो भी देना चाहे, फिर चाहे वो 10 रुपए हो, 50 रुपए हो, जो उनकी सुविधा हो वो दे सकते हैं। ये सुविधा आज के बाद जारी रहेगी। सभी मित्रों से मेरी प्रार्थना है कि केवल व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, बार बार कॉल करके वर्ड लिंकर्स की टीम के सदस्यों को परेशान नहीं करें। आपका कोई भी कॉल मैं नहीं उठाता, वो टीम के सदस्य हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह हैं। मैं आपको हर प्रकार की जानकारी अपनी सभी वीडियोस के माध्यम से ही दे रहा हूं। अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सबका उत्तर मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में पहले से ही दिया होता है, लेकिन कुछ मित्र केवल एक ही वीडियो को सुनकर अपने प्रश्न पूछने को उत्सुक हो जाते हैं। उन सभी से मेरा नम्र निवेदन है
के सभी वीडियोस को ध्यान से सुनें, आपको आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। फिर भी अगर कुछ बचता है तो उसके लिए आप मेरे ईमेल पर मुझे मेल करें और उत्तर के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। आप जान जाएं कि कोई दूसरा आपको ना कोई सजा दे रहा है ना कोई फल दे रहा है, सब कुछ आपके ही हाथ में है, आपके ही मन का खेल है। आप अपने मन को जानकर, मन के साथ बहुत से प्रयोग करके, मन को अपना मित्र बनाकर, अपना गुरु बनाकर, अपने मन को पूरी शुद्धता में लाकर अपने जीवन को रूपांतरित करें। आपके लिए कहीं कोई नरक नहीं बचे, आपका जीवन स्वर्ग बन जाए, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप नए संगीत के ध्यान में उतरें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज के विषय को सुनते हुए जितनी भी छवियां आपके मन में बनी हैं, उन सभी छवियों को इस संगीत के ध्यान में देखने का प्रयास करें। फिर जो भी आपको अनुभव हो, जैसे जैसे आपकी प्रतीति हो, उसे अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि और भी ज्यादा अच्छे और भी ज्यादा प्रभावशाली संगीत बनाए जा सके। धन्यवाद।